अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है आयन। व्हाट इज आयन, व्हाट इज कीटाइन, व्हाट इज एनायन। इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ कीटाइन इज फॉर्म, हाउ आयन इज फॉर्म, हाउ एनायन इज फॉर्म, व्हाट इज ऑक्टेट रूल, व्हाट इज डॉपलर रूल, एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर, हम इस लेक्चर के अंदर निपटाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज आयन। आयन क्या होता है बच्चों? आयन हर उस स्पीशी को कहते हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है। मे बी दैट चार्ज इज पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव। वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि हम हैं, वी आर, वी पीपल आर आयन, हम आयन है, वी आर एग्जाम्पल ऑफ आयन। या तो हम किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं। अगर हम किसी को कुछ दें तो हम पॉजिटिव हैं, अगर हम किसी से कुछ लें तो नेगेटिव हैं। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी मिसालों से मैं आपको समझाता जाऊंगा। उससे पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो तो आपको अच्छी लगेगी क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, और लास्ट में लाइक भी कर देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। आयन क्या होता है, व्हाट इज आयन। इसकी वो जो डेफिनेशन ये है, दो स्पीशीज, क्या दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यानी ऐसी चीजें, ऐसी सब्सटेंस जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन, आयन बच्चों पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। इसकी एग्जांपल है एच पॉजिटिव, सीएल नेगेटिव, ओएच नेगेटिव, सीएच फोर पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मैंने एटॉमिक चार्ज को भी मेंशन किया और मॉलिक्यूलर चार्ज को भी मेंशन कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं। ये जो आपके आयन होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं बच्चों? इसकी दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज आयन, वो मैं लिखता हूं, टाइप्स। टाइप्स ऑफ आयन बच्चों, आयन की टाइप्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आयन, हाउ मैनी काइंड ऑफ आयन, आयन की कितनी अकसाम होती हैं, कितनी किस्में होती हैं। तो बच्चों मैं लिखता हूँ, इसकी दो टाइप्स होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, एक होता है कैट आयन, क्या होता है कैट आयन, और दूसरा बच्चों होता है एन आयन, क्या होता है, एक बच्चे होता है कीटाइन और दूसरा क्या होता है एनायन होता है, क्या होता है एनायन होता है। ठीक है, तो कीटाइन और एनायन, कीटाइन बच्चों वो होते हैं दो स्पीशीज विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको क्या कहते हैं कीटाइन कहते हैं। मैं मेंशन करता हूँ कैटाइन, किसकी बात करता हूँ, कीटाइन। कीटाइन क्या होता है, व्हाट इज कीटाइन, मैं लिखता हूँ दो स्पीशीज विच कैरी, क्या करें, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कीटाइन। मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कीटाइन होता है। जैसे कि बच्चों, ये मेरे पास कीटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि एच पॉजिटिव है, सी एच फोर पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब सोडियम एन ए पॉजिटिव है, पोटाशियम पॉजिटिव है, कैल्शियम टू पॉजिटिव है, ये सारे के सारे बच्चों हमारे पास क्या कीटाइन है। अब आगे जो मेन बात है ना, हाउ कीटाइन इज फॉर्म्ड, हाउ आयन इज फॉर्म्ड, हाउ एनायन इज फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं। अच्छा, पॉजिटिव हुआ कीटाइन, नेगेटिव हुआ तो एनायन। आगे बात, तो जो मेन बात वो उसकी हम बात करते हैं, ये बनते कैसे, हाउ दिस काइंड ऑफ चार्जेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वो मैंने इधर मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन में इसका बनाता हूँ, इसको आप कुछ यू भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि लेट बी सपोज मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑल दो स्पीशीज विच लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। उनको इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्या होती है,
they have a need to release electron from the outermost shell is called endothermic. उनको एनर्जी की जरूरत होती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इधर, ये क्या होते हैं, एक तो होते हैं एंडोथर्मिक, क्या होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि ये हीट को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करके, हीट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, ऊपर नजर नहीं आ रहा, मैं नीचे करता हूँ, एंडोथर्मिक होते हैं, क्या होते हैं ये कैटायन, क्या होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं, क्या करते हैं हीट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, सोडियम की एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके आखिरी शर्मा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसके एटॉमिक नंबर होता है 11। बच्चों ध्यान से देखें, ये इसका पहला शेल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करने जा रहा हूँ। अगर आपको बच्चों ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लेक्चर है उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वो भी देख लेना। बहुत आसान मैंने तरीका वो बताया हुआ है कैसे करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इट्स मीन इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो ये 1s2 होता है, ये 2s2 होता है, और 2p6 होता है, पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे में दो, कितने हो गए, और 3s1। आखिरी शेल में बच्चों देखो कितने इलेक्ट्रॉन, एक है। ये क्यों इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, ये एक प्रिंसिपल है, एक पास्टुलेट है, जब किसी एटम के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3 या 3 से क्या हो, कम हो, तो क्या करेगा, लूज करेगा, क्या करेगा, लूज करके वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20 होता है, वो 2 लूज के 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बच्चों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनायन, ये बता दिया केटायन कैसे बनता है, आफ्टर द रिमूवल, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल केटायन इज फॉर्म्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के बाद केटायन बनता है। अब हम बात करते हैं एनायन की, किसकी बात करते हैं, एनायन, ठीक है। एनायन, एनायन क्या होता है, ये बेसिकली नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑल दो स्पीशीज विच गेन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं किसी से 5-2 हज़ार रुपया ले लेता हूँ तो मैं नेगेटिव हो जाऊँगा, एम आई एनायन, क्या बन जाऊँगा, एनायन बन जाऊँगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है, समझा रहा है ना, हौसला, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, तो आप समझें, फोकस करेंगे तो फिर समझाएगा ना। केटायन बच्चों तब बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करे, अगर मैं किसी को कुछ पैसे दे देता हूँ, कुछ चीज़ दे देता हूँ, तो मैं केटायन बन गया हूँ ना, जितने में दूंगा उतना मेरे ऊपर चार्ज आएगा। एनायन क्या होता है, अगर मैं किसी से पैसे लूं या कोई चीज़ लूं तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, आफ्टर द गेनिंग इलेक्ट्रॉन आइटम इज बिकम एनायन, एनायन बन जाता है, वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। दो स्पीशीज की डेफिनेशन लिखता हूं, दो स्पीशीज विच कैरी, क्या करती हैं, कैरी नेगेटिव चार्ज, क्या, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, एनायन होता है, जैसे कि फ्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है, इसके साथ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव 2 है, ठीक है। तो ये बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, नाइट्रोजन की आप एग्जाम्पल भी देख सकते, अगर आपको कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट है तो होगा। अब इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव क्यों है, ये बात याद रखना, जब किसी एटम के आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, 5 या 5 or more than 5 इलेक्ट्रॉन, देन दैट एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर द गेनिंग इलेक्ट्रॉन दैट एटम बिकम नेगेटिव चार्ज, आई मीन एनायन बन जाएगा, जब क्या करेगा, 5 या 5 से ज़्यादा होंगे इन द आउटर मोस्ट शेल, इन द वैलेंस शेल, इन द लास्ट शेल, ठीक, आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा होंगे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे कि तो आपका हाउ एनायन इज फॉर्म्ड, हाउ, मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूँ, एनायन कैसे बनता है, हाउ एनायन इज फॉर्म्ड, ठीक है, एनायन कैसे बनता है, मैं लिखता हूँ आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, एनायन is formed after gaining of electrons, ठीक है। एनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ,
एग्जाम्पल बच्चों ये, लेट बी सपोज मेरे पास फ्लोरीन है जिसके एटॉमिक नंबर 9 है। अब ध्यान से, 9 इसके एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2 और 2p, पी तो वैसे 6 रखता है, लेकिन पी में 6 रखेंगे तो 10 हो जाएंगे, हमने 9 करने हैं तो पी में क्या होंगे, 5 होंगे। अब आखिरी चरण में बच्चों देखो, एस में 2 और पी में 5 है, टोटल हो गया 7। इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने लगेगा, हाउ मच इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, ओनली 1। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बन गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके आखिरी चरण में अगर इसी की मैं बात करूँ तो ये 4 हो जाएंगे, ये टोटल 8, आखिरी चरण में 6 हो गए, तो ये कितने लगेगा, 8, 5 से ज़्यादा है ना, तो क्या करेगा ये बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 नेगेटिव हो गया। तो ये जो बच्चों आपका एनायन होता है ये एक्सोथर्मिक होते हैं, क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक मतलब होता है ये हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अंदर दाखिल होता है तो उसके बदले में हीट क्या होगी, रिलीज होती है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। आई होप सो कि बच्चों आपको आयन, केटायन, एनायन ये कैसे बनते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होते हैं, समझा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।